भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सभी पदाधिकारियों ने ब्लॉक छजलेट के गांव मोड़ा तैया में मजदूरों के द्वारा मनरेगा में कार्य करने के बदले पैसा न मिलने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने मनरेगा में काम नहीं किया उन लोगों को धनराशि दे दी गई, जबकि कार्य करने वाले मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया। प्रदर्शन करते हुए वाल्मीकि धर्म समाज के नेता लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि जिलाधिकारी से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सभी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी वापस दिलाई जाए। मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं और लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा परेशानियां गरीब तबके को झेलनी पड़ रही है, इसलिए जिलाधिकारी से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। देखिए, मोड़ा तैया ग्राम प्रधान जो मनरेगा में देखो मजदूरों का पैसा नहीं दे रहा है, उस विषय को लेकर आज DM साहब को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इनके लिए इनका जो 4 साल का पैसा है मनरेगा मजदूरों का, उनको उनका पैसा दिया जाए और ये धांधलीबाजी खत्म की जाए। लगभग कितने समय से ये काम कर रहे थे? ये 4 साल से काम कर रहे हैं, इन्हें एक पैसा नहीं मिला। ये परेशान लोग हैं भुखमरी के तकाल का। अब क्या समस्या इनके साथ में आ रही है? बस ये है कि भुखमरी के तकाल में पैसा मिल नहीं जाए, तो साहब आप जानते ही क्या क्या परेशानी आ सकती है। इस संबंध में कौन से अधिकारी को अवगत कराया आपने? मैंने DM साहब को ज्ञापन दिया है।